मशीनी लाल अफीमी लाल और आदमी सड़क का। कुछ ही दिनों बाद एक दोपहर एक आलीशान कार अफीमी लाल के घर के आगे आकर रुकी। आए, ये आलीशान इंपोर्टेड कार हमारे घर के आगे आकर क्यों रुकी है? बाबा जी, जाने क्यों एक आलीशान कार हमारे घर के बाहर आकर रुकी हुई है? आलीशान कार, ये तो गड़बड़ हो गई। सेठ बिहारी लाल जी, नमस्कार। बड़ी मुश्किल से आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया है। मैनेजर के बच्चे, क्या तुम लोग मुझे चैन से जीने नहीं दे सकते? हाँ सेठ जी, गुस्ताखी माफ। भला आपकी बहुमूल्य सलाह के बगैर हम आपके करोड़ों के व्यापार को कैसे संभाल पाएंगे? चलिए कृपया वापस घर चलिए। बो हो, क्या मजे के दिन गुजार रहा था मैं। अब मुझे फिर उसी धन दौलत की दुनिया में जाना होगा। भगवान कभी किसी को धनी ना बनाए। ये क्या हो रहा है? आप दोनों की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही हैं। बेटा, ये सच है कि मैं मशहूर उद्योगपति सेठ बिहारी लाल ही हूँ, लेकिन मुझे धन दौलत से ज्यादा अच्छा चैन से खर्राटे मारने लगता है। इसीलिए हमारे सेठ जी अक्सर गरीब का भेष धारण करके अपने घर से निकल भागते हैं और किसी भी पेड़ के नीचे लेटकर चैन से खर्राटे मारते हैं। हमारे बाबा जी सेठ बिहारी लाल, वाह भाई वाह। मैनेजर, अफीमी लाल ने मेरी बहुत सेवा की है, इसे भी खर्राटों से बड़ा प्यार है। इसे पूरे 10,000 का इनाम मिलना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी। क्या बात है, पूरे 10,000 का इनाम, मेरी तो लॉटरी निकल गई, याहू। और उसी दिन शाम को, मशीनी भैया, आज दोपहर बाबा जी यहाँ से चले गए हैं। वह मुझे एक उपहार भी दे गए हैं। वह फटीचर बूढ़ा तुझे एक जंगली फूल थमा गया होगा, क्यों? बाबा जी असल में मशहूर सेठ बिहारी लाल थे। ये देखो, वे मुझे ये 10,000 रुपए उपहार में दे गए हैं। हे 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 हे। कक कक कक, क्या? और फिर बाबा जी, 10 पैसे की भीख से क्या होगा, ये लीजिए पूरे 10 रुपए का नोट। भगवान आपका भला करे बेटे। आजकल मशीनी भैया हर सड़क के आदमी को गले लगाने लगे हैं। हे हे हे।